राजा मेदनी प्रकाश नाहन दा राजा अपने आराम कमरे विच बैठा सी कि वजीर हरजी आ गया ते दोहां दी गलबात इहो छिड़ी है। राजा पुछदा है, हरजी कोई नवी खबर है? वजीर कहन लगा, महाराज खबरां भलियां नहीं है। फतेह शाह दी धी दा साक भीमचंद दे लड़के नाल हो गया है। राजा चिंता तुर हो गया, कहन लगे दिसदा ही सी, अगे तां पुत्तर दी अणहोंद बावलियां करदी सी, हुण राजकाज दा बिसंसा पै गया है। क्योंकि शरारती ने पहला एक ने सी जीवन दिंदा, हुण दोहां दा जुट हो गया। वजीर कहन लगा कि मैं भी बड़ा फिक्रमंद हां, हुण होर की कीता जा सकता है। राजा जी कहन लगे, फिर भी कोई तकदीर तो होएगी ना? हां, इंसानी तदबीर तो अजे कोई नहीं सुझी, कोई रब्बी मदद मिले तो वक्री गल है। वजीर ने उत्तर दिता, राजा जी रब्बी मदद इस वलों भी मन उचाट हो गया है, देवी देवते जी तो कुछ सारदे नहीं, पुत्र निमित सारे की पूजा प्रतिष्ठा पाठ पूजा जग करके वेख चुके हैं, कोई नहीं पुकरदा। ते जां जिवें कोई आखदे हन देवता है ही नहीं, भरम ही है, बाकी रही पीर फकीर किसी की मदद, सडौरे बुद्धू शाह सुनीदा जो मुसलमान है, ते इधर दूणा विच राम राय सुनीदा जिस दियां करामातां अगे औरंगजेब भी चुकिया है। सो वह साडी वैरी फतेह शाह दा मित्र ते पूजे है, असां लई सब रस्ते बंद हो गए। हुण तां इक्को सोचदी है कि होर फौज भर्ती करिए ते जंग लई तैयार बर तैयार रहीए, जद समा आ बणे मैदान विच सनमुख जूझ दे लड़ मरिए। लोक तां जाणा ही है, परलोक विच तां स्वर्ग मिले। वजीर उन्हां दे मूंह वल तकदा रहा, हां जंग लई तैयार रहना सदा सुखदाई है, सगों ऐसे समय तां हर क्षण सनदबद्ध रहना ही राजनीति है। मैदान विच सनमुख जूझ के मरना भी राजन वीरां दा धर्म है, पर उदासी ते निराशता नहीं चाहिए, कुछ होर भी करिए। राजा जी ना उम्मीदी विच भी कुछ उम्मीद रख के पुछन लगे की करना चाहिदा। वजीर कहन लगे, साडे राज दी सरहद विच जमुना किनारे एक बड़ा बिरध ब्राह्मण तप कर रहा है, क्यों ना उसकी सहायता लईए? मेरी जाचे वह जोगी है, पर जिद्दियां सिद्धियां का मालक जरूर है, निर्जन बन विच रहिंदा है, दिन रात तप विच लीन है, किसी नाल कोई संबंध नहीं, एक चेला सेवा करता है वह दुधा धारी, दो चार गाइयां ने जो मन विच चर लैंदियां ने ते महात्मा नूं दुध दे छड़दियां ने, उस दी असीस जरूर कोई सहायता करेगी। इधर अपनी सेना होर वधाउणी चाहिए और उधर भी आस उम्मीद रखनी चाहिए। तुसीं माता जी नूं आप मनाओ कि हुण समा आ गया है कि वह वड्डी पुरातन खजाने दीआं कुंजियां आप नूं दे देण, जो औकड़ां वास्ते पिछले राजे संभाल के जमा कर गए सन। इस तों उपर औकड़ दा समा होर किहड़ा हो सकता है? राजा जी कहन लगे, ठीक तो है गल, पर त्रीमता ते फिर बिरध घट ही आखे लगदियां ने। अच्छा जतन कर देखदे हां, मां है मन जाएगी। हां हां मंत्री, फिर ब्राह्मण वाल कर चलिए। हरजी कहन लगे, तुसी अज माता जी नाल गलबात करो।
मैं बख्शी जी नाल फौज वधाऊं ते जंगी समान वधेरे इकट्ठा करन दी तजवीज करदा। उस वल कल तड़के टुर पई है, शिकार दे बहाने चलांगे ते फिर शिकार विच ही उस नूं मिलने दा समां कढ लवांगे। दस के जाना ठीक नहीं है। राजा जी ने पूछा कित्थे को है। मंत्री जवाब देण लगा कोई अपने महलां तो 25 या 26 को पर साढ़े शहर तो पूर्व उत्तर वल जमुना किनारे कालसी पिंड है, वह कुछ चढ़ाई चढ़ के फिर अगे 1.5 को उरे साढ़े वाले पासे किनारे ते जिथे कु पहाड़ी नदी टेंसा जमुना का संगम है ना, उथे कु वार कुछ पद्धर जी है, थोड़ी उसे बन विच एक कुटी है ते गिरदे छापियां दा बड़ा तगड़ा वाड़ा है, विच बड़ा खुला जिहा वेड़ा है। चलो ठीक है, बहुता दूर नहीं है, राजा जी ने उत्तर दिता। इस प्रकार गल्लां बातां करके राजा तो वजीर जी विदा होए ते बख्शीखाने जाके अपने रियासत दी रख्या दे वधेरे समान दी डौल डील डौल दे रहे। उधर राजा जी ने अपनी माता नाल यतन ला के पुराने भंडारे विच्चों चोखी माया रियासत दी रख्या दी नवी तजवीज पर खर्च करन लई कढ़ा ली। अगले दिन राजा मेदनी प्रकाश शिकार चढ़िया, नाले वजीर ते कुछ सिपाही चढ़े। रस्ते विच बख्शी नाल नवीआं तजवीजां ते बहस ते विचार हुंदी रही। वजीर ने डेरा उस टिकाणे तो कोक दी विथ उत्ते उरे जाए लवा लिया। दिन का तीजा पैर जिन्हों लौडा वेला कहिंदे ने, लगभग राजा ते वजीर घोड़े चढ़ सैर नूं निकले ते हौली हौली ब्राह्मण दी कुटी पास जा निकले। राजा उरे ठहर गया ते वजीर घोड़ा ब्रिश नाल बन के अंदर गया। ब्राह्मण जी उस वेले वाड़े दे वेड़े विच एक पत्थर दी सलाह ते घा दी सफ विछाई बैठे सन। उम्र कोई लगभग 100 वर्ष दे लागे चागे होएगी। शरीर बस हड्डियां जापदा सी, मास्तां विच्चों गोमी लभदा सी, पर चेहरे पर बहुत आभा से चमक दमक से, पिठ विच सीधा पलने सी, थोड़ा झुक गया सी और निर्बलताई दे पूरे निशान दिसदे सन। वजीर ने अगे वध के प्रणाम कीती। ऋषि ने पछाणिया, आशीर्वाद दित्ती ते कहा आओ बैठो। वजीर ने बिनय कीती कि बाहर राजा जी भी आए हैं, जे आप जी की आग्ञा होवे तो आ जाण। यह सुन के ब्राह्मण कंबदा कंबदा उठन लगा ते बोलिया, श्री कृष्ण जी का वाक है, मनुखा विच मैं राजा हाँ, आओ पाक राजे ही हो के आओ आओ ते सही। पर वजीर ने बांह फड़ के बहाल दिता ते कहा आप बिराज गए, राजा जी आप आ जाणगे। वो आप दे द्वारे राजा होके नहीं आए, आशीर्वाद वास्ते आए हाँ। आप धर्म मूर्ति हो, वड्डे हो, फिर बंदगीवान हो। ये कह के वजीर बाहर गया ते राजा जी नूं नाल लेके अंदर आ गया। दोहां ने दूरों ही शीश नवाया, पर बुढ़े लेकिन अंदरले सास वाले ब्राह्मण ने कहा आहो पहाग तन पहाग राजा जी होके आओ जी आया नूं। ऋषि जी दे अंदर कृष्ण जी का वाक गूंज रहा सी कि मैं ही राजां विच प्रवेश हाँ। थोड़ा चिर आपो विच आदर सत्कार कुशल आनंद पुछ के फिर मतलब दी गल छिड़ पई। ऋषि ने सारी गल सुन के कहा,
हे राजन, मैं इस राज विच बैठ के तप कीता है, तेरी राजहानी मैं नहीं देख सकता। भगवान कृपा करे, राज अटल होवे, पर संसार विच फतेह शाह ते भीम चंद दो रले हुए तेरे ते पारू हन, ते सिद्धि मंडल विच राम राय योगी है, सिद्धियां विभूतियां ते उसका पूरा वसीकार है। मैं गरीब तो दर्शन की आस विच बुढ़ा हो गया, विभूतियों तो मेरे गुरु ने मैनू होड़िया सी, ते मैं आप भी इस पासे रुचि ना कीती। सारा बल इसी गल वल लगा कि प्रतख पावें अंदर खाते दर्शन पावां, चाहे दर्शन देखा चाहे दर्शन समावां, पर मेरी आस नहीं पुगी। बड़ा ठंडा होका लिया। वजीर कहन लगे, ऋषि जी खिमा करने, असा आप दे केवल ब्रह्म दर्शन निमित्त लग रहे समय विच विघन पाया है। असी लोड़वंद लोग हाँ, बिरथावान अपने लिए काला होंदा है, इसलिए बेनती कर दिती है। ऋषि जी किवें आखो, राजा प्रजा का रखवाला है, राज विच वसदियां राज दी रख्या सब दा धर्म है। मैं इस राज विच सुख पाया है, आपदा आउणा विघनकारी नहीं है, भगवान सहायता करे, मेरी आशीर्वाद है। पर हां, यह कह के बुढ़े चेहरे ते एक चमक आ गई, ढिलकदी मास दियां चुड़ियां विच एक चानण जिहा फेरा पा गया। सिर हिलावे ते अखां मीट मीट जान, कदी उपर आकाशां वल तक्के, कदी अपने आप हाथ जोड़ जान। इन्हां अखां विच एक वारी बिजली वर्गी दमक आ गई, फिर नैन पार आए ते कुछ चिर चुप रह के बोलिया, हे राजन, एक कलू काल है ते कलू दे भी त्रै पैर खिसे हुए हैं। इस वेले एक भारी अवतार दा आगम है, हां वो आया है ते विचर रहा है, पर मैनू पता नहीं है, जे कदी तू उस दे दर्शन करें तां निश्चय कल्याण होवे। राजा आश्चर्यता नाल अगों बोलिया, ऋषि जी बिना पते कीकू पाईए। ब्राह्मण कहन लगा, राजन मैनू उंज थौ कोई नहीं है, मैं पहली उमरे मूर्ति का ध्यान धरदा रहा सां, फिर मैनू राह पाउण वाला मिलिया ते मैं साक्षात उस दे ध्यान मगन रहा। उसने मैनू फिर चतुर्भुज मूर्ति दे ध्यान विच लाया। मेरी आरबला तां इसी तरह ही गुजरी है। सिख ए रही कि जो मूर्ति मैं अपने ख्याल विखे बनता हां, वो कदे जिउंदी होके मिले, चाहे मनुखां वांग चाहे किसी आत्म तरीके विच, पर आस ना पुगे। हुण कुछ दिन होए तां मैं बैठे बैठे एक सुपना देखिया। एक कोई दिव्य मूर्ति है, उन्हां मैनू आखिया, क्यों मूर्तां बन बन तकपदा है, मनुख रूप विच जगत पर आए हुए हन ते जगत दे रखक होके विचर रहे हन, युद्ध जंग रचाउण दे आरां विच हन, योधे ते रजोगुणी दिसदे हन, पर हैन तुरों निरंकारी अवतार ते जगत रखक। हे राजन, जी मैं वेखां तां पछाण लवां, उन्हां दी नव उमरा है, दिव्य मूर्ति है, प्रकाश ही प्रकाश रूप हन, रस ही रस है, पर शस्त्रधारी हन ते ठाठ राजसी है। ऋषि जी कोई नाम नहीं, ये पता नहीं, मैनू उस दिन तो यही झोला पैंदा है ते रोज पैंदा है, मैं तो एक दिन भी इत्थे पानी ना पींदा, ढूंढन तुर पैंदा, पर हाय मेरिया जंगा विच ताकत कित्थे,
आ बालका मोढ़े ला खड़ता है जां बहुती वीरी चुक खड़ता है ते इत्थे नदी ताईं जाके इशनान कराउंदा। जी मेरे विच ताकत हुंदी तां मैं कदे चाओ करके ना बैठदा, मेरी आस पूरी होई है तां मेरे विच असंग नहीं है। हुण मेरे पास केवल मन दी आराधना है जो किवें नैण बंद होण तों पहलां दर्शन पा लवां ते ओह कुछ अनुभव करां जिस नूं परम आनंद परम रस आखदे आ, ते जो केवल मिलाप नाल दर्शन नाल ही प्राप्त हुंदा है। राजन तेरे पास बल है, पदार्थ है, तू खोज कर, जे लभ पवे तां तेरा भी कार्ज सवरे ते मेरे भी आहो भाग, मेरे भाग जाग पैण। की जानिए भगवंत जी ने तुहानूं प्रेर के इत्थे आंदा होवे, जो मैं पता दिया ते तुसी टोल करो, लभ के लै आओ, जां इस बुढ़े ब्राह्मण नूं पालकी विच पा के उसके चरणा कमलों विच जाके सुट्टो, जो ये भी परम पदार्थ पा लवे। मंगत जंज होया, ब्राह्मण दी ये प्यार भरी ते सद्दर सिक वाली आसा पर उंज चेहरे ते नाराजता। अजिही दशा राजा वजीर दोवें द्रब गए ते वधेरे शोक विच होके पुछण लगे, ऋषि जी कोई थोड़ा बहुता अता पता होवे। ब्रह्म कहण लगा, 80 साल दे तप बाद ध्यान ते त्याग विराग दे जीवन विच रह के आ झौला ही पिया है, और की दसा, नव उमरा हन, सुंदर हन, नैण हरना वांग हन, बाहां गोड्यां तक पलमदियां हन, शरीर लमेरा ते पतला जिहा है पर तेज है, अचल है, शस्त्रधारी हां, रजो समान है, हैन पूर्ण पूर्ण पूर्ण, तुरों आए सदे आए, तू निरंकार दे कले आए, जोत निर्माण दे आप साक्षात पूर्ण अवतार हन। यह सुन के राजे वजीर दियां आपो विच अखां लड़ियां ते कोई सहमता होईयां। राजा सोच विचार विच डुब के वजीर नूं कहण लगा, ऊ कैलूर वाले टिकाणे तां नहीं किते ओह भीमे दे शत्रू ने जिहड़े? ब्राह्मण, शत्रु? ना ना राजन, ओह शत्रु नहीं हुंदे, ओह ते सब दे प्यारे ने, सब दे प्रेमी ने। शत्रुआं नूं अवतार शत्रु लगदा है, अपने कर्म शत्रु हुंदे हन, आपे कीते आपे पाउंदे ने, पर ते तुरों आया निरा प्रेम दा पुंज है। राजा कहण लगा, महाराज भला अवतार आवे तां आप वर्गी ब्रह्म देई विच आवे, आ शस्त्र धारियां विच ब्रह्म ज्योति किवें? ब्राह्मण ठंडा साह लैके अखां च अखां पा के कहण लगा, भई मोटी गल है, राम जी खत्री शस्त्रधारी, कृष्ण जी खत्री शस्त्रधारी, खबरे अवतार क्यों इस रूप विच आउंदा है? होर सुनो, साडे ब्राह्मणा पास तां कर्मकांड है, असां तां वेद दीआं रिचां गाउंदे जग ही करदे कराउंदे रहे, ये ब्रह्म विद्या तदों भी खत्रियां महाराजां पर उतरदी रही, राम ते उतरी, असां वेद पाठी रावण बन के वैर ही कीता। तुसी संस्कृत पढ़े नहीं भाई, आदि समयां विच जो असल ब्रह्म विद्या सी ना, सो गुझी रही, असी तां कर्मकांडी बने रहे। गोहज विद्या, ब्रह्म विद्या, रस विद्या, वेखो ना भाई, साडे वड्डियां नूं पिणक पई कि खत्रियां पास है, ए नाले राज करदे हन, नाले जीवन मुक्ति दी मौज माणदे हन, पर वेखो ना
ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਖੱਤਰੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਜਗਿਆਸਾ ਧਾਰ ਕੇ ਇਹ ਵਿੱਦਿਆ ਸਿੱਖੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਦੇ, ਜੋ ਖੱਤਰੀ ਸਨ, ਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਵਿੱਦਿਆ ਲਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ, ਪੰਜ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਦਾਲਕ ਅਰਨੀ ਪਾਸ ਵੈਸ਼ਨਾਵਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਉਦਾਲਕ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਸ਼ਵਾਪਤੀ ਕਕਈਆ ਪਾਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੈਕਈਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਿਆਨ ਮੇ ਹੈ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ, ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਜਾਤ ਸ਼ਤਰੂ ਨੂੰ ਗਾਰਗੇ ਬਲਾਕੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀਆਂ 12 ਵਿਆਖਿਆ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਾ ਜੋ ਖੱਤਰੀ ਹੈ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭੁੱਲ ਤੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਦਰੁਸਤ ਨਿਰੂਪਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਖ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਖੱਤਰੀ ਹਾਂ ਔਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਆਤਮਾ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਰਾਜਾ ਪਾਸ ਹੈ ਜੋ ਖੱਤਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੇਖੋ, ਰਾਜਾ ਪਰਵਾਹਨ ਜੈਵਲੀ ਜੋ ਖੱਤਰੀ ਰਜੋਗੁਣੀ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਦੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਨਿਰੂਪਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤ ਧਨਵਾਨ ਨਾਮੇ ਖੱਤਰੀ ਨੇ ਉਧਰ ਸਾਂਡਲਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿੱਦਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਨਾਰਦ ਨੂੰ, ਜੋ ਬੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਿਸ਼ੀ ਸੀ, ਸਨਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜੋ ਯੁੱਧ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਦਿਆ ਸੁਣਾਈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਰਨੀ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਪਰਿਵਾਨ ਜੈਵਲੀ ਨੇ ਜਦ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਗੌਤਮ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿੱਦਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੁਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਤੇ ਜੰਗ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਜਾਤੀ ਪਾਸ ਹੈ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੋਰ ਥਾਂ ਇਉਂ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹ ਵਿੱਦਿਆ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਗੀਤਾ, ਜੋ ਸਰਬ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਤੱਤ ਤੇ ਵੇਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇਵ ਨੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਸੋ ਹੇ ਰਾਜਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੂਪਣ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਜੋਗੁਣੀ ਕਮਾਮ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ ਦੇਵਤਾ ਖੱਤਰੀ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਅਤੇ ਰਸੀਏ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਖੱਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਖੱਤਰੀ ਇਸ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਆਗੂ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਨਾਂ ਅਕਸਰ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਪਦ ਦੇ ਕਈ ਅਰਥ ਹਨ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਲੇਖਕ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਨੂੰ ਰਹੱਸ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭੇਦ ਦੀ ਗੱਲ, ਗੋਜ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਮਨੇ ਹੈ। ਇਹ ਗੋਜ ਗੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਜੋ ਜਾਣਨ ਹਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯੋਗ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਏ। ਸੋ ਰਾਜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਜੋ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਅਸਚਰਜ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਭਰਮ ਨਾ ਕਰ ਕਿ ਅਵਤਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਧਾਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੁਣ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਵਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਹੈ, ਭਾਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤਪੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਗੁਰੂ ਸਹਿ ਸੁਭਾਅ ਵੱਡੇ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੱਜ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਂਝ ਕੱਖ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਤੇ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਖਰ ਵੀ
शुद्ध बोल गया। ऋषि जी फिर कहन लगे, सो वे जाओ ढूंढो मिलो ते मैनू भी बुढ़े ठेरे नू याद रखना, दर्शन करा देने, भगवान तुहाडी मनोकामना पूरी करे। वजीर ऋषि नू कहन लगे, भला अवतार दे केस भी हुंदे हां? ऋषि कहन लगा, हां केस तां सारे ऋषि ते अवतारां दे ने। वेद विच तां परमेश्वर नू लम्मे केसां ते सोहणे वालड़े वाला लिखिया है, वह दाड़ा भी प्रकाशित करते हैं। बुद्ध जी के समय तक उन्हां समेत सारे केसधारी सन। एक केस ना रखण की कुरीति मगरों तुरी है। वजीर राजे वाल सैंत करके हौली जी केसा का भी पता चलता है। ऋषि ने वेख्या, कहन लगे, अवतार दे नाल सदा सखागण आउंदे हन, उहदे नाल जिहड़े आए हन वह भी केसां वाले होने चाहिए हैं। मैं झौला डिठा है। अच्छा जी, राजा हैरान होया, जिधर साडा अनुमान चल रहा है आप तां केसां वाला है पर साथी सारे केसां वाले नहीं। ब्राह्मण कहन लगा, नहीं तां हो जाणगे, झौला तां इही है कि वह सतजुगी काम करेगा ते फिर मैं डिठा है कि वह एक है पर एक रुपया नहीं, दस रूप उहदे चलकारे हन, दसे अनुपम मुकेश समश दाड़े वाले साबत सूरत। हुण दोहां दा होर रुख उस पासे वध्या ते यकीन पुख्ता हुंदा गया। इस दस रूप वाली गल ने होर पता ला दिता। राजा जी गल नूं खोल के निश्चा कर लेना चाहते सन। पुछण लगे, ऋषि जी असा अनुमान धार लिया है, हुण जांदे हां ते जतन करदे हां, जे थौ पै गया तो अपनी पीड़ा भी कहांगे ते जतन करांगे, वो इत्थे आउण फिर पछाण तुसां कर लैणी। ऋषि जी उमरा दे ध्यान ते हुण ते पैंदे चावलियां ने मेरे अंदर ऐसी कोई सूह लाई है कि दर्शन होण तां मैं पछाण लवांगा। अवतार भी कदे गुजे रहे ने, पर हां जो अख तृष्णा नाल मैली है उसनों पड़दा है, वह तो अवतारा नाल जंग रचाते रहे हैं, नहीं तो रावण क्यों भुल करता? राजा जी की ये राम कृष्ण का अवतार हैं? ब्राह्मण, ये मैनू झौला नहीं पाया, ये सद सुने दी सी कि उन्हां तो भारी है, गुरु अवतार मैं सुनिया सी, मैं लोकां तो नहीं पर मैं अपने ध्यान विच सुनिया। राजा जी बोले, हे ऋषि, कि वह अवतार राम राय तो सिद्धियां विच भारू होएगा? कि उसकी असीस करके मेरे शत्रु दब जाएंगे? कि उसकी असीस सदका मेरे घर पुत्र जन्म लेगा? ब्राह्मण कहने लगा, राजा अवतार योगियां वांगू संयम सिद्ध करके यतन नाल ध्यान बन के करामाता नहीं करते, उन्हां दा वाक सुते सिद्ध सिरे चढ़ता, वह जन्म तो सिद्ध होंदे हन ते उन्हां दी वाक सता सदैव सफल होंदी है। जो वह मूंह कढ़दे हन ते चित्तों चाहुंदे हन ना, वह करता पुरख आप कर दिंदा। जे कहो करामात करो तो आ सगो नहीं करते, परमेश्वर की इच्छा विच अपनी इच्छा रखते हैं, पर सहज सुभा जो उन्होंने मुखों निकले वो हो जाता है। राम राय, हाँ मैं जानता हाँ, एक बारी पारले पिंड आए, इधर भी आए से, मैं वेखे से, हाँ वह विभूतियां दे वसीकार वाले सिद्ध योगी हैं, पर वह जो मैं तुसा नूं दसे ना तुरों आए अवतार हैं, वह करामात नहीं करते ना दिखाते हैं, पर उन्हां तो आपू जो कुछ सह सुभा हुंदा है करामाता तो वध हो जाता है। अहंकार ही है ना राजा, पर उन्हां विच नहीं हुंदा, उन्हां विच शुद्ध कला हुंदी है। दूजियां हमातड़ा तपियां विच अहंकार ते एकाग्रता तो उपजियां रिद्धियां सिद्धियां हुंदियां ने। ध्यान ही है राजा जी,
जिथे लाया लग गया, जिथे लग गया उथे सिद्धि हो गई। इस प्रकार गल्लां बातां करदे इस सिधांत ते अपड़े कि जे ऋषि जी दे झौले दुरुस्त हन तां उह आनंदपुर वाले गुरु जी अवतार हन, अते पते भी सारे उही मिलते ने। जे नहीं भी तो सानू रस्ता मिल गया, वह शस्त्रधारी हैं, सूरबीर हैं, उन्होंने वीरां की बहादरी की ताक है। जे साडे मित्र हो जाण तां पासा जरूर भारी हो जाएगा। जिस गद्दी दा राम राय है उसे गद्दी दे खुद ये मालक हैं। इन्हां दे पिछे माझा, मालवा, दड़प, नक्का, धन्नी, पोठोहार, उधर सिंध ते इधर दखण तक ऐश्वर्या है। उन्हां नूं अपने राज विच लै आईए, ये चाल जरूर सोहनी है जो अज ऋषि जी दे दर्शनां तों सुझी है। नाहन पहुंच के राजा ने अपने एक छोटे मंत्री सोभुग नूं बहुत सारे नजराने गुरां लई दे के चुप चुपीते आनंदपुर वल तोर दिता, जिथे अपड़ के वजीर ने यथा योग आदर उतारा, आराम पाया। वजीर दी मर्जी अपना संदेशा गुप्त देन दी सी, पर निरपह योधी सतगुरु जी ने अगले दिन लगे दीवान विच पत्रका लई आप सुनी और सारे दरबारियों ने सुनाई। वजीर नूं अगले दिन जवाब देने लिए आख्या गया ते सतगुरु जी ने मामे कृपाल चंद, मुंशी साहब चंद ते होर निकटवर्तियों नाल सलाह मशवरा गिणिया। माता जी तो सलाह पुछी, सारिया की मर्जी इहो बनी कि चलना ही ठीक है। सलाहगीर ते मशवरा देने वाले तो इस नुकते तो टुरना चाहते सन कि भीम चंद नाल जंग छिड़न वाला है, चले गया वो टल जाएगा। पर गुरु जी कोई अगम दी रूह उस दे तुए हुए अंदर आत्मे तैयारी कर लगे। वो जो ऋषि सी जिसकी तांग, जिसकी मंग खिचा पा रही थी, उसनों पातशाह जी पछाणदे सन। बिरध पालना है ना, उन्होंने कोई दिली तड़फ चरनाटा दे रही सी, किसी प्यार वलवे की खिच पैंदी सी। सो सब तरह सब पास तो सलाह पक्की ठहर गई। मौसम भी कुछ अच्छा सी, बरसात हो हटी सी ते उच्चियां दूणा विच रुत टिकवी हुंदी जा रही सी। गुरु जी ने अस्सू दे महीने संमत 1741 बिक्रमी विच आनंदपुर साहब तो कूच किया। 500 शस्त्रबद्ध जवान नाल लीते, बाकी दी सेना आनंदपुर दी राखी वास्ते रखी। माता गुजरी जी ते महल भी नाल टुरे, होर प्यारे ते दिली सेवक भी नाल चाले पाए। पहले कीरतपुर आए, श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह जी दे दौरे कड़ा प्रसाद कराया ते फिर रोपड़ वाल कूच कर गए। वजीर सिरपाओ ते मुनासिब जवाब लैके अगे अगे चला गया जो राजे नूं खुशखबरी सुनावे ते अगवानी की तैयारी हो जाए। इधरों सतगुरु जी भी छेती अपड़ गए, दरां ते आए सुन के मेदनी प्रकाश अगों लैण वास्ते आया। आप दे नाल रियासत दे अहुदेदार शहरों अगे लैण वास्ते वधे। दर्शन जद होए तद राजे ने दरबारियां समेत चरणा ते सीस धरिया, असीस लेके प्रसन्न होया ते रकाब दे नाल नाल हम रकाब होके चलन लगा। पर पैदल अपने नगर ले आया। नगर दे दरवाजे अगे शहर दे साधु, ब्राह्मण, पुजारी, चौधरी ते वड्डे वड्डे व्यापारी खड़े सन। वड्डे पुरोहित ने आप जी की आरती उतारी ते सब ने गुरु नानक देव जी की गद्दी दे मालक जान के आदर सत्कार करन बंदना करके शहर विच प्रवेश करवाया ते उस थां ते डेरा करवाया जिथे हुण गुरुद्वारा साहिब सुशोभित है। सतगुरु जी दे नाहन आवन ते राजा दी इस प्रकार दी श्रद्धा वाली खातरदारी ते नगर निवासियों की प्रजा सत्कार दी खबर ये जमुना दे उरार पार दूण विच इयों तुम्मी
ਜੀਕੂ ਦੂਣਾ ਵਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰ ਅਪੜੀ। ਉਸ ਨੇ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਘੱਲਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਉਸ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਗੱਦੀ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿਗੂਣਾ ਜਿਹਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਸ਼ਮੇ ਸਮਾਨ ਅਗੰਮੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਰ ਛਪੜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਚਸ਼ਮੇ ਦੇ ਜਲ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਤਮਕ ਬਲ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਰਾਜੇ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਾਂਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੇਤੂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਤ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧ ਛੱਡ ਦੇ ਅਤੇ ਜਿਤਨਾ ਇਲਾਕਾ ਤੂੰ ਜਬਰੀ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਦਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਨਾ ਉਹ ਮੋੜ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਰਦ ਦੀਨਾ ਬੰਧੂ ਅਤੇ ਸਰਨਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੈਨਾ ਸਮੇਤ ਨਾਹਨ ਆ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਦੀਆਂ ਧੁੰਮਾਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਰਾਮ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਸਗੋਂ ਟੀਰੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਮਗਰ ਹਨ। ਜੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀ ਰਾਏ ਬਦਲੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇਗਾ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਜਬਰੀ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਾਮਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਗਏ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮੋੜੀ ਨੇ ਬਲਕਿ ਰਾਜ ਸਾਜ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਭੈ ਦੀ ਨਿਵਿਰਤੀ ਨੇ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਰ ਚਾਅ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਇੱਕ ਏਲਚੀ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਲਿਆਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਿੱਤ ਦੀ ਪੱਤਰਿਕਾ ਲਿਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਏਲਚੀ ਦੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਵਿਦਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਸ ਭੇਜਿਆ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਪਰਸਪਰ ਲੜਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲ ਬੈਠਣਾ ਅਤੇ ਮਿਲ ਵਰਤਣਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਾ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਐਸੇ ਹੋ ਜੋ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਰਾਣੇ ਅਤੇ ਰਾਓ ਸਦਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਸਤਰ ਅਤੇ ਸੈਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਬਿਲ ਬੈਠਣ ਕਰਕੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਪਾਟੇ ਪਏ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਾ ਰਹੋ ਜੋ ਸਭ ਦਾ ਬਲ ਵਧੇ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਬਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਕਰੇ। ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਆਪਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੇਲਣਹਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਲਾਹ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਵੇਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੀ ਵਧੀ ਤਾਕਤ ਵੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਰਾਜੇ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਪੱਕਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਮੁਨਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਜੋ ਅਤ ਰਮਣੀਕ ਸੀ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਡੇਰੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਕੋਟ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਕਿਲਾ ਰਚਨੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੋਈ। ਰਾਜੇ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਡੇਰਾ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਏ। ਇਸ ਟਿਕਾਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਉਂਟਾ ਰੱਖਿਆ। ਮੱਘਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰੀ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੁਝ ਕੁਝ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਥਾਂ ਬੜਾ ਰਮਣੀਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਵਾ ਟਿਕਾਣੇ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਚਰਚਾ ਸੀ।
हेठों देश दी ते डेरे दी सड़क इथी आके टुकदियां। इधर इमारतां जा रही सन, उधर देश देश दीआं संगतां ई सुन के कि गुरु जी इत्थे आ टिके हन उमड़ के आईआं। कथा कीर्तन आसा दी वार दे दीवान सजदे, सूरमे फौजी खेलां कवैदां करदे, कवि जन कवि समाज लगाउंदे सन। जंगल विच मंगल हो गया, दूर दूर तक डेरे तंबू कख फूस दे छप्पर शमियाने खैमे सब सज गए। सिखी उपदेश प्रचार आनंद दे प्रवाह टुर पे। सतगुरु जी जमुना विच इशनान तारियां खेलां, जंगल विच शिकार कसरताश, शेरां दा मारना ते सिखां नूं तैयार बर तैयार करना आश्चर्य रंग ला दिते। कलगीधर जी दे मानुख नाट दे जीवन विच पौंटे दे ये दिन जिस रंग दे गुजरे हैं वह बड़े स्वादले गुजरे हैं। कविता भी आपने बहुत इत्थे जमुना किनारे उच्चारण की, चोणवें सूरमे कवि ते विद्वान भी इत्थे इकट्ठे किए सन, सलाहखाना भी बनाया। अस्सू विच सतगुरु जी आए ते मगर विच इत्थे इयों जापदा सी कि आनंदपुर इहो है ते सदा तो भाग इत्थे लग रहे हैं। आप वास्ते जो मंदिर किले की डौल दा बन रहा सी, सो इस त्रिखी चाल नाल बन रहा सी कि पो विच आप दे पुरब दिन इस विच प्रवेश दा ख्याल भी पक्का हो रहा सी। नेड़े दे साधु महात्मा भी आ रहे सन, जी दान ते जिया दे उधार दा आत्मक व्यापार भी बड़े जोबनापुर से। जमुना जो उपरली पर्वत धारा तो निकलती है, इस दे सोमे नूं जमनोत्री आखते हैं, पर उत्थों तुर के अजब चक्कर गेड़ खांदी पर्वतां दीआं खड्डां विच्चों लंघदी अखीर दुगण विच आ निकलती है। जिस टिकाणे ये पर्वतां तों बाहर आउंदी है वह अजकल दे मंसूरी अखवाउंदा है। ये पहाड़ां तों 15 मील पिछों नूं है। उस टिकाणे इधर दे पहाड़ां विच्चों तां एक कलिंदरी खवाउंदी है, अगे आके जमुना बनदी है ते फिर सोहनी साफ निर्मल धार निकलदी है ते उत्तर रुख तो एक होर इहो जी नदी टौंस नाम दी आउंदी है। दोहां दा एक थावें संगम हो जांदा है। टौंस दा अपना नाम ते सफर इत्थे समाप्त करदी है ते जमुना विच मिल के जमुना दा रूप होके अगे नाल टुर पैंदी है। इत्थे इह धारा छोटिया छोटिया पहाड़ियां टिब्बिया के चरणों के नाल नाल जांदी पौंटे तो लंघ फैजाबाद को खुले मैदान विच जा वड़दी है। इसे एकांत सुतंत्रता स्वस्थता जल की निर्मलता ते बन दी हरियावल राव ने रिखी ब्राह्मण नूं इत्थे टिका छड्डिया सी। असीं पिछे दस आए हां कि राजा ते वजीर इत्थे इस ब्राह्मण नूं मिलन गए सन। ये तपी ब्राह्मण की अपनी कुटिया विच कुदरत नाल गल्लां करदियां उम्र बिहा आ गई। दिन बिताउंदे सन, सिमरन करदे सन, अपना ध्यान धरदे सन ते गाइयां दा दुध पी छड्डदे सन ते कोई अगम्मी राह तकदे रहिंदे सन। आप ब्रह्म दा ख्याल जानदे सन, रस्ता ध्यान समझदे सन, त्याग दे पूरे तप हठ दे तकड़े सन। तृष्णा नहीं सी, सी तां दर्शन दी भुख। कदे कदे आप ख्याल करदे सी कि मैं प्यार करदा हां पर अगों प्यार नहीं हुंदा। पर फिर अपने अंदर कुछ खुशकपन वेख के निराश हो जांदे सन। रस महारस दा थौ नहीं सी पैंदा, दर्शन नहीं सन हुंदे, ना लीन कर लैण वाले ना लीन हो के विचे रख लैण वाले। हुण कुछ समय तो कोई झौले पैंदे सन, कोई सद आउंदी सी जिस दा हाल आप जी पिछे सुन आए हो कि राजा जी ते वजीर नूं आपने दस्या सी। राजा वजीर तां अपना कार्ज का सार चुके, उन्हां दी त्रेह जो अपनी तबाही दे पै तों उपजी सी भय मिटन नाल मिट गई सी। उन्हां दी याद विच्चों रिखी जी दा
उत्कंठा भुल चुकी सी। हां मनुख भुलदा है, ठीक लोड़ वेले इंसान का चेता सान ते चढ़ जाता है, पर लोड़ लंघ गई तो खुंडा हो जाता है। राजा नूं अपना बचन याद ही नहीं, रिखी का सुनेहा चेते ही नहीं। राजा नूं रिखी का दस्या गुर अवतार तो लभ गया से, राजसी लोड़ सर गई सी। उन्हां नूं गुरु जी ताकतवर शक्तिवान पूजनीक भी दिसे से, निश्चय भी कर लिया सी कि आप अवतार हैं, जिन्ने योधे ते बली दिसते हैं उन्ने कोमल ते दयालु भी हैं, खुले दिल वाले भी हैं, प्यार अगे चरनाट खांदे, प्यार दी चरनाट छेड़दे सन, जगत दा हनेरा हटाउंदे हैं, मार्ग पाउंदे हैं, मुरदे दिलां नूं जिवाउंदे हैं। हाँ जी हम तां इह रब दे कल्ले रब्बी नूर, रब्बी रौं ते रब्बी चरनाटां ला देण वाले, पर यह सब कुछ झलकारे मात्र समझिया ते लंघ गया। उन्हां नूं तां सहायक ताकत दी लोड़ सी जो मिल गई सी। सच है दुनिया तां शरीरक चाहे मानसिक शक्ति दी लोड़वंद है, मिल पई ते रज गए। आत्मक खेड तां ओ नैण वेखदे हन जो तृष्णालू होण जां प्यार दे कुठे होण जां जिन्हां नूं रब खोले। मां प्री दी पछाण ते टिकण वाले नैण होर ही हन। सो राजे ते वजीर दे दिमाग नूं सुत्ती उपकारी खिच कोई बाकी नहीं सी कि जिस नाल रिखी चेते आउंदा। अपनी लोड़ पूरी हो गई सी, भुल गए सी, पर इधर जो लगियां सन, जिस दी सौ तो ते अरबला होवे, जिसने सारी उम्र मोह माया त्याग के गहबर बंग ते नदी दे कंडे सची मुची दे तप ते साधना विच गुजारी होवे, जिसनूं हुण कोई झौला पैंदा होवे, कोई सुख स्वप्न आया होवे, उस दी तांग किन्नी त्रिखी होएगी। सच है ग्रिस्त विच ग्रसे लोकी त्याग नूं मखौलता कर लैंदे ने, सतगुर दे ग्रिस्त उदास आदर्श अगे इस लई त्याग दी लोड़ है भी नहीं, पर ग्रिस्त विच मोह माया विच ते मैं मेरी विच फसे ग्रसे लंपट लोक जरा त्याग करके तां वेखण। सही है कि त्याग की अर्थ रखता है ते सच्चा त्याग किन्ना कु कठिन है। राजा भुल चुका सी, वजीर नूं चेता विसर चुका सी, पर रिखी नूं जो रुखड़ा नदी किनारे बैठा मौत दी ढाह दे दिन गिण रहा सी, डाढ़ी तांग लग रही सी। रिखी सोचदा सी राजा भुल गया, मतलब सार के विसारे पै गया कि उस दी खोज ते टोह टिकाणा जो बनदा सी खंडत निकले, कि राजा आपे आप ढूंढ विच है। भगवान जाने की वरती रिखी उजाड़ विच वसों तो दूर बैठा है, कौन पता देवे। ग्वाला एक मुंडा है जो सेवा करता है, सो कदे बन गया कदे होर कमे रुझा, रिखी कदे ख्याल करे हे भगवान मैं बिरध हो गया हां, शरीर दे रस अंदरों सुक रहे हैं, मेरा मगज भी करड़ा हो रहा है, की जाना जिसनों मैं चावला आखदा हाँ वो असली इशारा कोई नहीं सी, कि दिमाग दी कोई कसर सी जां नेरा चावला, कोई परछावां कोई भलेवा सी। मैं एवें अंत समय पिया शुदा दे पैर चुमदा हाँ, पर फिर अंदरों एक आवाज आवे नहीं नहीं ये मेरा कोई चावला झलका नहीं है, ये किसी सच दा इशारा है, किसी दिव्यता दा जिसका असली रंग असली रूप वेखण दी ताब मेरे पास नहीं है। आहो देव क्या दैव भी हासे करदा, हे सिरजनहार विशंबर अपने बुढ़े सेवक नाल अंत समय कोई प्यार कर, कोई टार्थ दे, चित टिकाणे करके टुरा, निश्चिंत होके मरा, इस तरह दे हावे करके रो पवे, उस दे हंजू देख के बालका कई बार पूछे महाराज आपनू कोई मेथों दुख होया कि आप रो पैंदे हो। उस दे भोलेपन ते तरस खा के ऋषि जी प्यार दे के दिलासा दिया करन, बच्चा नहीं मेरे अंदर कोई अगमो लग गई है,
जिस तरह कोई जवानी दे वेग विच प्यार दे हाथ विच रुड़दा है ना, मैं किसी अणडिठे प्यार विच बुढ़ा होके रुड़दा पिया हां। तू चिंता ना करिया कर, कदे बुढ़ा त्रबक उठिया करे ते आप मुहारे आओ आए कह दिया करे, पर वो किसी पत्थर गिरन दी किसी वन पशु दी आठ निकले, कदे उसनू वो सद सुनी वे जो उसने जुड़े ध्यान विच सुनी सी, कदे वो स्वप्न दिन दी भी आ जावे, कदे फिर निराशा आवे, कदे तांग तिखी होके निर्बल कर सुटे, ज्ञान ध्यान पढ़े सुने सब विसर जान, मौत तो पह आवे कि की मैं बिन देखे बिना दर्शना टुर जासा। इस तरह दे सुरत दे टिकाओ ते हलाओ विच एक अडोलता आवे, फिर एक कमजोरी ता जावे जिस नाल कुछ सुख ते ठंड जापे, पर निर्बलता ही कई वेर निटाल कर देवे। एक दिन उदास होके रिखी ने बालके नूं कहा, बेटा मेरे शरीर का पता नहीं, आरबला पूरी हो गई है, किसी वेले चल बसला है, तू जद मैं मर जावा मेरे शरीर नूं जमुना दे वेग विच प्रवाह कर देवी, ये गाइयां लैके अपने पिंड चला जावे। कदे तू सुने कि कोई अवतार प्रगट होया है तो उसके चरणों में जाके मेरा यह सुनेहा दे देवी कि एक सिख दा तपिया जमुना तट ते दर्शना दिया लोचना विच टुर गया है, उसके गोडे गिट्टे टुरदे नहीं सन जो आप लभदा, ना ही उसके पास धन सी जो टोल कराउंदा, उसके पास कोई मनुख भी नहीं सन जो सूहां कढ़दे, उसनू झौला पैंदा सी साधु सुनाई देंदी सी, वो तड़पदा सी सिकदा सी लुछदा सी सधरांदा सी पर अपड़ नहीं सी सकता, ऐं लोहदा लोहदा रात कांदा तकांदा आसां भरिया टुर गया है उसकी बौड़ी करनी। बालका सुनदा उदास हुंदा ते फिर रो पैंदा, पर रिखी जी दे हुक्म दा बद्दा इन्ना सी कि सारे अखर याद करदा ते उन्हां नूं पकाउंदा रहिंदा, फिर उन्हां नूं सुणाउंदा सी कि मते मैं कुछ विचों भुल ना जावां। कदे बालका आप उदास हो जांदा सी, आप मुहारे अखियां चों पाणी वगदा ते डड्डू लिखा होके कह दिंदा सी, बाबा जी मैं की कर सा। तां रिखी जी आखते हैं, तू उन्हां दी टोल करी, मेरे भाग तां नहीं पर खबरे तेरे होण, ते जदों तू मेरा उन्हां नूं सुनेहा देवे तां तेरे ते त्रुट पैण। अगो बालका पुछे, जी कोई उहदा अता पता तां दिओ, मैं हुण जाके राती सुत्ते पै जां लिया, जी कोई अता पता दिओ तां मैं हुण जाके राती सुत्ते पै चा लियावां, मंजे समेत चुक लियावां। रिखी जी हस पैण, अगो आखण, ऐं ना कहो, वो रब्बी रौं वाले रब रूप हन। बालका कहे, फिर आपे आउंदी क्यों नहीं? रिखी सियाणा से कहन लगा, मेरे कर्म मेरे भाग। फिर बालका निशानियां पुछण लगदा तां आपने दसना शरीर दे लम्मे हन, थोड़ा पतले हन पर डाढ़े तकड़े हन, उमरा विच चढ़दी जवानी ते कुमार हन, शस्त्रधारी हन बेटा, फिर केसां वाले हन, सोहणी निक्की निक्की कुंडियाली दाढ़ी निकल रही है, चेहरे ते तेज तप जबे वाले हन, प्यार विच मिठे मिठे रस पिनड़े हन। बालका अखां मीट के सुने, फिर कहे, मैं ऐनियां गल्लां कित्थों परखांगा? तारीखी ने कहा, उन्हां दे हाथ जद पलमदे ने तां उन्हां दे गोड्यां तक जांदे हन।
इस निशानी ते बालका खुश होया ते उठ के अपने हाथ लम्मे करके वेखे, कदे रिखी दे हाथ लम्मे करके वेखे। हुण तसली आ गई कि परख लवांगा। कहण लगा, बाबा जी होर किसी दियां बाहां इन्नियां लम्मियां नहीं होंदियां? रिखी जी ने कहा, किसी दियां नहीं। अगों बालका भोले पा, भला मेरे आखे ते उह पलमा देणगे? इस भोलेपन ते रिखी हस पिया ते कहण लगा, तू नाल नाल रही, चेचा कुछ ना आखें, जदों कुते बाहां आपे पलम पैण ते तू निश्चय हो जावी तां पैरी पै के खिमा मांग के मेरा सुनेहा दे छड्डी। बालके ने कहा, उन्हां दा कोई नाम भी है? रिखी जी ने कहा, नाम तां होऊ पर मैनू नहीं पता। हां, लोकी उसनू वड्डा अवतार के गुर अवतार आखदे होण। बालका सोची पै के, गुर गुर गुर, अच्छा गुर, भला जी मैनू हुणे टोर दिओ, मैं हेठां जाके पुछा दसा, भला जी पता लग जावे तां तुसी दर्शन पा लो, पर हां जे मैं जावां ते तुसानू इशनान कौन करासी, तुसानू दुध कौन चो देवे, गऊआं नू कौन चारे, फिर इन्हां नू बनना ते खोलना भी पैंदा। हां भला जी की करां, कुछ नहीं सुझदी, जे मेरा कोई भरा हुंदा तां उसनू तुसां कोल छड्ड जांदा ते आप पालन टुर जांदा। चलो अच्छा, हुण मैं दुपहरे दो घड़ियां दूर नेड़े जाया करांगा, जे कोई बंदा मेरे आखे लग जाए महीना दस दिन तुसां पास ठहरे तां मैं हेठां भी पालन चला जावां। रिखी ने कहा, बच्चा चांदिया, बुढ़िया ठेरिया हाथ गोडे कमजोरां दे पास कौन ठहरेगा? जिथों कुछ लभना नहीं उन्हां दी सेवा कौन करेगा? तू होर कुछ ना कर, दो चार को दुपहरे हेठां नूं जाया कर ते आए गए राह खेड़े मिलदे तो पुछया कर, भई कोई अवतार प्रगटता नहीं होया, कोई साध संत महात्मा मुश्किया तां नहीं, जे कोई सू लगे तां आ दस्या कर। बालका जो बड़ी चिंता विच सी हुण कुछ खिड़ आया। दो गल्लां उसनूं चंगियां लभ गईयां, एक पते पुछण दी ते एक बाहां पछाणन दी। बालके चांदो ने हुण रोज दा काम होर तरह करना आरंभ कर दिता। सवेरे रिखी जी नूं इशनान पानी करा, धुप्पे तख्त पोश डा के मृग शाल ते बिठा दिंदा, कमली दे के गऊआं दे गोहे कंडे दी संभाल तो वेला होके दुध चो के रिशी नूं पिला के आप नहा धो के दुध पी के गऊआं लै के बणा विच छेड़ ना जांदा, जीकू के अग्गी जाया करदा सी। हुण गऊआं कुलियां तो कड वाड़े विच खुले थां बन्ह के घा वड्डन चले जाणा, कुछ घा बरसात तो मगरों सुका के सांभ रख्या सी। सो पंज सत्त घड़ियां विच गऊआं दे खाण जोगा पट्ठा दत्था इकट्ठा करके आप टुर जाणा, कदे तां उपर ग्रां वल फेरा मारना, हर आदमी दियां बाहां वेखणियां कि पलमदियां हन तां गोड्यां तक पहुंचदियां हन, कदे हेठां दे पिंडां वल जा फेरा मारना, फिर कदे किसी तो पुछया भी करे कोई अवतार प्रगटता नहीं होया। गिरावां तो निराश होके हुण दो चार पंज को तक भी कदे जमुना दे इस किनारे कदी उस किनारे कदी चढ़दे कदी लहिंदे कदी सड़क ते कदी एवें फेरे मारी जाया करे। कम ओह जो मिले उस दियां बाहां तकणियां, कदे किसी दियां बाहां ते शक पए तां किन्ना किन्ना चिर उडीकदे खड़े रहना कि कद बाहां आपे पलमन तां मैं सही करां कि गोड्यां तक जांदियां हन कि नहीं। ऐसे वेले यह बालका जो अगे ही अत सीधा सी बौला जिहा दिसण लग पिया। पहलों यह ग्रावां सड़कां वल घट जाया करदा सी, बन विच ही इसका वक्त लंघ जांदा सी, पर हुण उसकी झल्लियां वाली फेरी दूर दूर दी वसों दे लोकी आश्चर्यता नाल वेख्या करन ते इस दी पुछ ते हैरान होया करन।
चांदू ने कुछ दिन अपने स्वामी दी इस इच्छा पूर्ण हित इस तरह आवारा फिर गुजारे, पर कोई सू ना पई। रिखी जी हुण कमजोर हो रहे सन, पाला हड कड़कांदा से, कंबलियां ते मृगशाला तां सन पर नेताणे नूं पाला लगदा भी बहुत है। अखीर घटद्या घटद्या वह दिन आ गया कि रिखी जी सवेरे इशनान ना कर सके, ना उठ सके। लम्मे पै ही चांदू नूं बोले, बच्चा मेरा वेला आ गया जापदा है, देख मेरे हाथ ते पैर ठंडे हैं, बीबा पुत्र मेरे मगरों तू मेरा काम जरूर करना। चांदो ने अग्गे होके हाथ पैर वेखे तो सचमुच ठंडे सन। ठंडे वेख के एक शर्दी की लहर उदे अंदर फिर गई। उदासी ते निराशता का एक चक्कर आया। दो बरस होए तो चांदो की मां मर गई सी, उसके भी हाथ पैर ठंडे हुए सन। उस समा मां दे अंतले स्वासां दा सी ते सदा दे विछोड़े दा, उदियां अखां अगे फिर गया। मां इस दी कालसी दे ग्रां विच रहिंदी सी ते पीड़ा करके पेट भरदी सी। चंगी बुढ़ी ते निर्मल सी, पर आखर चांदो दी आंदर सी। चांदो दा जगत दो ही चीजां ते मुक जांदा सी, एक मां एक इन्हां अपरश महात्मा ऋषि उत्ते। अज विचारे नूं जगत तो अपने बाकी रहे इको एक मित्र नूं विछड़न दा दिन चेते आ गया। चक्कर खा के चांदो बाहर आया, हंजू आए ते उसने कसुनिया दे के पूंजे, फिर अग बाल के अंगीठा मगा के अंदर लै आया। कंबल एक दो होर वलेट दिते ते बाहर टिले ते चढ़ चढ़ वेखे, मता हुणे आ जाण कि ढीठा ढीओ ठीक है, फिर आवे ते हाथ पैर वेख जावे। अखीर दिन सत अठ घड़िया गया तो रिखी जी हुण बोलणों भी हट गए, हाथ पैर हिलाणों रह गए। जद चांदो ने डिठा कि उन्हां दे हाथ पैर हुण गोड्यां ते अरकां तक ठंडे हो गए, तो एक जंगली जी चीक उहदे अंदरों निकल आई। त्रिवक्की ऋषि दे नैण खुल गए ते तिहमें जिहे बोले, कि आ गए? चांदो ने जदों आ गए सुनिया ऋषि जी दे नैण बंद हो गए, पर चांदो दे कन्नां ने फिर सुनिया, बच्चा आ गए? जदों त्रिवक्की बाहर आया उस फिर सुनिया, कि आ गए? इस तरह बार बार अंदरों आवाज आई। चांदो दे मूहों अपने भी निकली जो पत्थर नाल टकरा के वड्डे होके वापस आई। आ गए? हुण चांदो जमुना दे पछमी किनारे तो पछों नूं वाहो दाही बणा नूं भज्जा गया। इधर उधर तकिया, किसी पत्थर नाल पानी टकराउण दे सवा कोई आठ ना आई। वैश्त जी हेठ चांदो ने चार चुफेरे तकिया ते फिर उठ लठा। कोई थोड़ी वाट ते आदमिया दे बोल चाल दी आवाज आई। अगे वध्या ता एक पदरे थां कुछ घोड़े बद्धे हुए सन जिन्हां नूं पानी पिलाया जा रहा सी, ते परे कई मनुख सन। कोई रोटी पका रहा सी, दो आदमी घा ते सतरंजी विछाई चौपड़ खेल रहे सन। इहो जे चेहरे उसने पहला कदी नहीं सी डिठे। उन्हां विचों एक दे चेहरे ते कोई ऐसी प्रभा ते तेज प्रताप डिठा कि उस नूं शक पै गया कि खबरे इहो है। पर उह हुण मुड़ मुड़ बाहां वल तके ते उह बैठे खेडी जाण। इह आग्या उस नूं रिखी जी दी सी कि अगे वध के कोई गुस्ताख ही नहीं करने। इंज ना कह बैठी कि मैनू बांह लंबी करके विखाओ। इन्हें एक बंदूक च ही अगे वध्या ते चांदो नूं कहन लगा, जा परे हो, इत्थे ना खड़ा हो। यह चांदो लई नवीं गल सी, उसने कदी नहीं सी सुनिया कि कोई किसी खड़ोते नूं परां हटावे। हट तां गया
पर नजर उथी रही, नजर बजदी बजदी बज गई। पल पल मगरों उस खिलाड़ी वाल तके, इन्ने नूं बाजी मुक गई ते वो उठ खड़ा होया, हाथ पलमे पर पट्टां ते मुक गया। चांदो गरीब चांदो दा मानो सरबंस रुड़ गया। हुण निराश अत निराशा विच उसनूं होश आई कि रिखी जी मेरी गरीब मां वांगू मर गए होणगे, की जानिए उस वांगू चानना चानना मांगदे होण। मैं कोल हुंदा तां दीवा तां जगाई सकदा, अग बाल देंदा, मैं क्यों आ गया उन्हां कोल। यह कहिंदिआं चांदो नूं इक हनेरे दा चक्कर जिहा आया ते फिर उहदी चीक निकल गई, आप मुहारे जो गल अंदर टिक गई सी आ गए अचानक उहदे अंदरों निकली, ते फिर पछों नूं होके खिलाड़ियों तों विथ करके अगे वध्या। इस वेले कुछ सवार दक्षण पछों दी रुखों भी आ रहे सन, चार सवार रता पिछे सन, एक अगेरे सी। चांदो पिछे परतन लगा सी, उस दे ख्याल ऋषि जी दे मां वर्गे आखरी हटकोरियां वल पै गया। कदम पिछेरे जा रहे से पर नजर अगेरे जा रही सी। सवार नेड़े नेड़े हुंदे गए, चांदो दे कदम ठिठंबर गए। अगले सवार ते नजर पई ता कदम नट पै ते दोहां हत्थां तों गिद्धा जिहा वज गया, आ गए आ गए। जिन्हां दी उड़ीक सी आ गए दी सद संगीत दी लहर वांग आप मुहारी चांदो दे मूहों निकली, पर पल मगरों फिर काला जिहा बदल उसदे परवटे ते शिर फिर गया, ठठंबर गया। सोची पै गया, खबरे कौन हां, मैं अजे बाहां तां तकियां नहीं, हो सकदा है कुछ होर हो। ਇਹ ਵੀ ਆਖਣਗੇ ਪਰੇ ਹਟ ਜਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਪਰੇ ਹਟ ਜਾਵਾਂ। ਰਤਾ ਕੋ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਨੀਜ ਪਰੋ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਉਹ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਤਰੰਜੀ ਉੱਤੇ ਗੱਦੀ ਜੀ ਵਿਛਾ ਕੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਸਿਰ ਨਵਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਚਾਂਦੋ ਵੀ ਮਗਰੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ते बाहां वल तकी जावे, नजर नाल अंदाजा लावे, कदी अपना मोढ़ा ते मोढ़े तो बाहां दा लमान तके, कदी उन्हां दे मोढ़े तो बाहां दा लमान तके, कदी बेमलूमा जिहा कुद पवे, कदे फिर निराशताई दी कटा उसदे परवटियां विच वट पा जावे। कदे कदम परे हटन, मता कोई आख देवे कि परे हट, ते कदे अत चिंता विच पै के बाहां उलार के धौन सट के पिछे तुर पवे। रिखी जी की पता हटकोरे लेंदे होणगे, चलां चल के चानण करा, मता ओ कूकदे पै होण चानणा चानणा, हाए हनेरा कोई चानणा ते करो। पर फिर कोई खिच खा के घर नूं टुरदा कदम पिछे मुड़ पवे ते दिल ही दिल विच आखे पता नहीं कदों उठणगे, किवें उठण, मैनूं हुक्म नहीं जो ना कि आखां खड़ो जाओ, मैं तुहाडी बांह धक्कणी है। इन्ने नूं किसी ने आ के उन्हां नूं कहा है कि जल तैयार है, जो बैठे हुए सन आप उठो ते हाथ धो लवो। चांदो दी तांग चांदो नूं हुण बुत बना रही सी, नैण बाहां ते गढ़ रहे सन, मूह खुलदा ते गोल जिहा हो जांदा। दोवें हाथ हेठों उठदे, कुछ गलियाई ते सहजे सहजे उच्चे हो जांदे ते गल्लां तों कुछ विच ते आ के खड़ो जांदे। हेठों अड्डियां चुक चुक के उचावियां हो के चांदो देखे, नैण नहीं चमकदा, सारी शरीर दी उलार उलरवे नीवीं नीवीं हो जावे, दम धीमा, मानो शायद आ ही गए। उधर हाथ धोते गए, खड़े खड़े मुंह धोता गया पर ना आया, मुंह पूंजिया गया, अजे हाथ पलमे नहीं,
चांदो उस तरह तांग उमैद का रूप बुत बनिया खड़ा होके देखी जा रहा। एने नू हाथ लमक पै उफ है हाथ सचमुच गुड्डिया तक जा अपने। चांदो की एकदम जंगली चीक निकली जिड़ी अंदर टिकी हुई सदर सी। आ गए आ गए आ गए दो चार पुआंटनिया विच तरप पिया ते हत्थां तो गिद्धा वज गया। हुण चांदो नूं चेता ही भुल गया कि रिखी ने की कहा सी। रिखी किस हाल हो अहलाद अंदर आया विवस्सा अगे वध गया। कोई डर भय संसा परे हटोदा भी कोई ना रहा। अगे वध्या एक प्यार एक अहलाद एक नमकीनी चेहरे ते सी। अगे वध्या ते गोडे टेक के आपदा सज्जा हाथ चंगी तरह फड़ के उन्हां दे गोडे नाल ला के रता खिच के फिर नाल ला के मनो मिण मिण के वेखदा। फिर बोलिया ठीक है जी ठीक है। फिर तौन उच्ची करके थले गोड्या पार बैठा डाढ़ी सिक नाल नजरां उपर चुक के देखिया। भोला से पुछन लगा तुसी आप ही हो ना है जी तुसी ओ हो ना बोलदे नहीं जे असा सियाण लिया तुसी हो आप आ गए है जी। वाह वाह आ गए आ गए। इस तरह अखां भरियां बोल डड्डो लिके ते हाथ जुड़े हुए फिर बोल उठिया तुसी ओ अवतार हो ना जी वड्डे अवतार जी हां 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 तुसी हो। इस तरह आप मुहारे बोली जा रहा है अगो सुनिया जा रहा है और बड़ी नीज नाल तकिया जा रहा है। वो निर्दल मिठी मूर्ति जिस नाल ये स्वतंत्रता लई जा रही सी जिस नाल इंसानी कुदरती असली भोलेपन विच ये प्यार हो रहा सी सीधी खड़ी सिर रता कुछ काए हाथ उन्हना हत्था विच टिले टिले कर दिते। अखां विच एक मध्यम मस्ती ते प्यार चेहरे पर मध्यम गुलाबी पा है बुल अध मिटे निकी निकी मुस्कुराहट विच हन। परवटे दस रहे हन कि भोले चांदो दे प्यार ते तांग दा रस अनुभव कर रहे हन। हुण अचानक चांदो दा चेहरा ढिला जिहा पिया कालियां कटां परवटे ते फिर गईयां। फिर गोडे टेक के हाथ जोड़ के आवाज सहम जी वाली नाल धीमी जी हो गई। लो जी सुनेहा लै लो कालसी वाले ऋषि जी दा सुनेहा है जी। हां जी उह तुसां नूं जानदे सन ते सहकदे सन दर्शन जी। हां उह दर्शनां दी उड़ीक विच ने ओ हुण जरूर आप जी दे दर्शन कर ले पर मर गए ने। मेरी मां इन्ने चिर विच मर गई सी जी। वो मेनू कह गए सी कि लम्मियां बाही वाले गोड्यां तो हेठा पलमन जद आ जान वेखी उन्हां दा कद लम्मा है शरीर पतला है नवी नवी आई दाढ़ी है ते सिर ते केस है नाम वड्डा है गुरुतार जी उन्होंने टोल के लभी मेरा स्नेहा दे दई स्नेहा ले लो जी। एक खिन अखां मीट के चांदो ने अखर अखर स्नेहा चेते कीता। इस वेले सतरंज खेडण वाले ते होर दो चार सज्जन भी पास आ गए। चांदो ने दोवें हाथ कढे और मुठ मीट ली ते ठोडी उत्ते टका ली नजर चेहरे विच गड़ ली ते बोलिया एक सिख दा तपिया बड़ी तीबर तांग विच
यमुना तट दर्शन दीयां लोचना विच टुर गया। उस दे गोडे गिटे टुरदे नहीं सन जो आप लभदा, उस दे पास कोई धन भी नहीं सी जो टोल कराउंदा, उस दे पास मनुख नहीं सन जो सूहां कढ़दा। जी हाँ जी, उस नूं झौला पैंदा सी, सद सुनाई देंदी सी, तड़फदा रहिंदा सी, सिकदा सी, लुछदा सी, सधरांदा सी, ऐं लोहदा लोहदा रात तक कहिंदा तक कहिंदा आसां भरिया टुर गया है उहदी बोहड़ी करनी जी। निर्दल मूर्ति दे नैण बंद हो गए। चांदो दे दोवें हथ उन्हां अपने हथ च कुट लै, चेहरा शांत ते सफेद हो गया। तृप्ती विच एक बेमामूला जिहा वट पिया, एक चरनाहट चांदो दे बदन विच पई। कुछ पलां बाद नैण खुले, नाले नाल संगीत लहर वाले सोहणे बोल खुले। बच्चा रिखी जी मर गए? चांदो कहण लगा, होर जी किन्ना कु चिर जिउंदे रहिंदे? मृदल मुर की गल ठीक है? चंदो कहन लगा, जी मेरी मां इन्ने चिर विच चरूकड़ी मर गई सी। ये गल ठीक है? चंदो हाथ छुड़ा के धुप्पे जा खलोता, अपने आप नूं सूरज दे हेठां करके उपर ते फिर अपने परछावें वल वेख वेख के मानो मिनती लैंदा, फिर नेड़े आ गया। जी हां, हुण वेखो दुपहरां ढल गईआं, तीजे पैर दा अद्धा पैर भी लंघ गया। मेरी मां एक पैर लिया सी जदों हाथ पैर ठंडे होए सन, ते इह वेला तां चरुकड़ा लंघ गया। हां रिखी जी मर गए? लो मैं जांदा हां, मैं जाके शरीर प्रवाह करना है जी। उन्हां दा हुक्म सी, सुनेहा तुसां लै लिया है जी? आखो ना कि तुसीं सुनेहा लै लिया। वो सहज मूर्ति उपर वल तक के, नहीं ओ भोलिया, रिखी जी अजे नहीं मरे। राजा जी चलो, तुसां दे सिर रहना है, चलिए रोटी अज रहन दिओ, दुध पियांगे। कूच दा हुक्म होया। राजा मेदनी प्रकाश ते सारे तैयार होंदे ही चले पा गए। आपने घोड़े ते पलाकी मारी, जो दास सदा तैयार बर तैयार कस्या खड़ा रखदा सी। दूजे सवार नूं इक सहंत कीती, उसने चांदू नूं अपने अगे बिठा लिया ते उस तों रस्ता पुछदे त्रिखे वेग तुर पै। बंदा रस्ता तय करदे करदे आखिर कुटिया पास जा परे। चांदू घोड़े तों उतर गया, कंडिया दे वाड़े दा जो चिड़ी वांग बनिया रखिया सी खिड़का खोलिया, अगे कुटी दे सिर विच, अगे कुटी दे विच तख्त पोश वर्गा एक तख्ता डठा पिया सी, जिस पर प्राणी कोई बड़े मारू शेर दी खल विछी सी। इस उत्ते रिखी जी लम्मे पै सन, उत्ते कंबलियां पाईया सन। धुप भावें सियाल दी सी पर बजवी पै रही सी। सहज मूर्ति ने अगे होके कंबल चाया, वीणिया ते पिंडलियां नूं हथ लाया, ठंडियां चक, मत्था भी शर, श्वास आउंदा नहीं सी जापता, मरौनी छा रही सी। चांदो अगे वध के अखां मीट के, बस ओह मेरी मां वांगू मर गए? रो के मैं रिशि जी नूं चानना भी ना कीता। बाबा जी तुसी चानना मांगदे सो, पर जी मैं सुनेहा उपड़ा दिता जे। फिर कसुनिया दे के अखां विच रोण लग पिया। इस भोली निरछल दिली लछियां टेढ़ां चालां तो नरलेप प्रीत नूं वेख के मृदल मूर्ति जी सहज नेत्र हो गए, पर आप दे मत्थे ते अजे एक त्यूड़ी सी ते हाथ होना
ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਸੀ ਜੋ ਅਜੇ ਨਿੱਘੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਿੱਘ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰ ਆਪ ਝੱਟ ਤਖ਼ਤ ਪੋਸ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਅਤੇ ਸਰਹਾਣੇ ਦਾਉ ਬੈਠ ਕੇ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਦੇ ਤਾਲੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਅੱਪੜ ਗਏ। ਚਾਂਦੋ ਡਾਢਾ ਆਚਰਜ ਹੋਇਆ, ਅਰਕਾਂ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਈ, ਮੁੱਠਾਂ ਮਿੱਟੀ ਠੋਡੀ ਹੇਠ ਧਰ ਕੇ ਬੜਾ ਚਿਰ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ, ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਬੜੇ ਭਲੇ ਸਨ, ਸਹਿਜ ਮੂਰਤੀ। ਰਾਜਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਚਰਨ ਫੜੋ ਅਤੇ ਚੱਸੋ। ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੂਸਰਾ ਚਰਨ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹਥੇਲੀਆਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਣਾ ਫੜ ਲਓ ਅਤੇ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਚੱਸੋ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮਲਕੜੇ ਜਿਹੇ ਰਿਖੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜੋ ਚਾਂਦੋ ਨੇੜੇ ਖੜਾ ਸੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਬੁੱਲ ਵੀ ਫਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਆ ਗਏ। ਪੈਰ ਹੱਥ ਚੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀਣੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਹੱਥ ਅਜੇ ਠੰਡੇ ਹਨ। ਸਹਿਜ ਮੂਰਤੀ ਨੇ ਹੁਣ ਘਾਹ ਦਾ ਸਰਾਹਣਾ ਜੋ ਰਿਖੀ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਹੇਠ ਸੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਟ ਸਿਰ ਹੇਠ ਦੇ ਕੇ ਸਿਰ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ, ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਚਾਂਦੋ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੈ? ਹੈਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸਹਿਲਾਟ ਕੈਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਵਾਹ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੌਂਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੁਮਕ ਰਹੀ ਹੈ? ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰੀਕ ਲਹਿਰਾਂ, ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਬਰੀਕ ਲਹਿਰਾਂ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਠ ਉੱਠ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਪੈਰਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਂਦੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਚਾਂਦੋ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ, ਦੇਖੀ ਜੀ ਉਹੋ ਜੇ ਲੱਭ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਲੱਭ ਲਏ ਨੇ, ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਰ ਰਿਖੀ ਦੇ ਕੰਨ ਅਜੇ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਚਿਰ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਸੁਖਾਲਾ ਲੰਮਾ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਰਿਖੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਉਚਾਵੀਆਂ, ਉੱਪਰ ਤੱਕਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਹਿਜ ਮੂਰਤੀ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸਦੇ ਮਸਤਕ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਲਿਆ। ਵਾਹ ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ, ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾਤਾ, ਸੱਥਰ ਲੱਥਿਆਂ ਮੌਤ ਮਰਾਉਣੀ ਛਾਇਆ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕੌਣ ਚੁੰਮੇ? ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਂ ਔਰ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੰਮਦਿਆਂ ਨਫ਼ਰਤ ਆਵੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਬੇਕਨਾਰ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਛਾਲੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜੋ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਸੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਥੇ ਚੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਮਰ ਰਿਹਾ ਰਿਖੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੋਤਰ ਸੁਕਾ ਚੁੱਕੀ ਦੇਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਦਾ ਉਛਾਲਾ ਆਇਆ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਰੁੱਸੇ ਰਿਖੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸਰਨਾਏ ਐਸੀ ਫੂਕੀ ਗਈ ਕਿ ਉਛਾਲਾ ਆਇਆ। ਸਹਿਜ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ 'ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫੜ ਲਿਆ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਚੁੱਪ ਛਾ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਚੁੰਮ ਲਿਆ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਤਰ ਕੇ, ਫਿਰ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਤਰ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਢਿੱਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਘੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵੀ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ
इस तरह आप मुहारे रिखी दे मुंह निकलता जाए। मिर्दल हत्था ने करड़े हत्था नाल क्यों कुटता है? अपने मुंह ऋषि दे निकलिया, तेरा ते पिंजर ही पिंजर है, हड पैर करड़े ने। फिर नहीं, उस सहज मूर्ति नू इस वलवले दा जो उसने बुझरे दीवे विच जगा दिता से स्वाद जे आ रहा से। आप प्यार चरनाटा छेड़दा है, आप उन्हां दा लोभी होके आनंद विच आउंदा है, ते फिर होर मेरा करता है। तन है इस रूप, ये दयालु स्वरूप, ये बौड़ियां करन वाला स्वरूप, ये तुठण वाला दीना दा बेली, दर्द नजाणियां दा दाता, दुखियां दा मित्र, ऐसा स्वरूप तन है, तन है, तन है। इस तरह प्यार करन वालियां दे हृदय विच उहदी मूर्ति टिकी रही। रिखी जी नूं स्वाद आ गया, होश परत आई, ताकत मुड़ आई, एक रस जिहा आया जो सारी उम्र पहलां कदी हठां विच विद्या पढ़न विच जां कर्मकांडां विच नहीं सी आया। वह गोडियां तक अपड़न वाला हाथ एक पासे ऋषि दे सीस ते धरिया होया, तालू वाले थां नूं सहला रहा सी, ते दूजा हाथ ऋषि दे बदन ते बड़े प्यार नाल हौली हौली फिर रहा सी, प्यार रूप फूक रहा सी। वाह वाह, प्यार दा नजारा, भगती दा नक्शा, इस दा रस सारे लै रहे सन, पर चांदो जिड्डी खुशी किसे होर नूं किथे। वह गोडियां तो लम्मे दोवें हाथ ऋषि जी दे जो सिर ते ते छाती ते सन कोल हो गया। ऋषि जी ने भी वेख लिया, पर चांदो दा जी करे कि अगे हा के उन्हां हत्थां नूं चुम लवां, पर फिर रुक जांदा रहा कि यही हाथ ऋषि जी विच जिंदड़ी पा रहे हैं, पा लैण, मैं काल ना करा। पर इस अपनी काल नूं रोकदा चांदो थर थर एक चरनाट जी विच कंबण लग पिया। हुण ऋषि जी दे मुंह निकलिया शुक्र, अखां फिर उचिया के तकिया, जो रूप उसने दिठा उसकी ताब ना चल सकिया, फिर अखां मिट गईया, माप मुहारे मुंह चो निकलिया शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। सहज मूर्ति दे मुख चो आवाज निकली, निहाल निहाल निहाल, ऋषि जी कहो वाहेगुरु। बेबस होए स्वाद और इस अलाही दर्शन दे स्वरूप विच पांच सिख जो लाल से मदर तुल विच गुरबाणी शब्द गायन कर उठे। मृतक कौ जीवालनहार, भूखे को देवत आधार, सर्व निदान जाकी दृष्टि माहे, पूर्व लिखे का लहना पाहे, सब किश तिसका ओ करणै जोग, तिस बिन दूसर हुआ ना होग। जप जन सदा सदा दिन रहणी, सब ते ऊच निर्मल ई करनी, कर कृपा जिसको नाम दिया, नानक सोजन निर्मल थिया। ऋषि जी दे लूं लूं विच वाहेगुरु दी धुन इस तरह टंकार दे रही से जिवें किसी कच्ची हुई तार ते तरब दी है। अजिहे रास्ते खिच सुआद ते उमह उछाले मारदियां ऋषि जी दी लिव लगी हुई, एक उचाई दा रौं रुमकदा है, फिर विच विच आखदा है, सच्ची आ गया, ए अवतार ठीक गुर अवतार है। हां, चावला नहीं सी, सच सी। ओए मंगते, तू धन हो गया।
आप मुहारे वाहेगुरु 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 रसना उत्ते टेक गया। जी हां, ऋषि नूं सोच वाली होश फुरी, ख्याल आया मेरी कुटिया विच अवतार आवे तो मैं प्रणाम ना करां। हमला मार के उठा पर कड़ावे विच लेके बैठी सहज मूर्ति ने रोक लिया, थम लिया, जफ्फी विच लैके गले ला लिया। बड़े प्रेम शब्दों विच कहा, ऋषि जी अजे ठहरो, ताकत फिर लैन दिओ, समाए रहो, प्यार विच समाए रहो। ऋषि जी दे अंदरले उमाहा ते उछाले रास्ते आनंद नाल जो सिमरन दी रो अते रंग एक अंदर ही अंदर लहरां मार रहा से, इस हालत विच आपे विच आपे गुम जी हालत पै हो गई से। आप बेहोश नहीं सन, डोब भी नहीं सी पैंदे, पर एक गुमता एक लीनता आपे विच समाई जी आई। कुछ समय मगरों फिर आप नूं मानो होश आई। हुण की रंग सी इह कि मैं किसे डाढ़े सोहणे स्वाद विच डुब गया सा, जिस विच डुब्बिआं पता ही नहीं लगा कि उह किहो जिहा रस सी, किहो जिहा रंग सी, की नाम तरां। पर हुण पता लगदा है कि उह सदा रहिंदा है, मैं उस तों परतदा ना। ये जो ना परतन की इच्छा है दसदी है कि वह परमा आनंद से, वह द्वैतादीत रस। हां वह सी जिथे बस वाह 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 वाहेगुरु 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 वाह वाह दा खेड़ा से। इस वेले उस मेरा दे साईं दे अलाही गले तो दैवी नाद होया जिस नाल सारा थां गूंज उठिया, एक चित जह एक छिन त्यायो, काल फास के बीच न आयो। ये सुन रिखी हुण मुद्दा हो चरना ते टहि पिया। दाते ने, हां जी कलगियां वाले ने, प्यारे दाते ने मत्था अपने कोमल हत्थां ते लैके दुए नाल सिर ते प्यार दिता ते इंज आख्या, ऋषि जी जागो, जीवो, जीवन मुक्ति दा रस लो। वाह दाते, ये तेरी मेर है। इस वेले राजे दा डेरा भी आ पहुंचया से। रसोई पास एक डब्बी सी जिस विच अंबर केसर ते कस्तूरी रला के रखे हुए सन। राजे ने बेनती कीती कि एक रत्ती पातशाह जी ये दे दिए जिहदे नाल भर आवे। गुरु अवतार जी सहज मूर्ति जी जो मृतक को जीवालन हार बोले, सुरत मोड़ा खा आई है, कष्टां हेठों निकल के खिड़की गर्म हो गई है। गर्म शायद ही हुण बहुती जरूरत नहीं है, दुध दा घुट दिओ, प्यार दी निग विच है। दुध दा नाम सुन के चांदो नूं चंद चढ़ गया। वह किन्ने चिर दा हत्थां नूं वेख रहा सी कि जदों भी वेले होए मैं चुम लैणे हां। पर रिखी जी लई दुध इह आवाज उहदी सारी सुध नूं इक उछाला दे के बड़का के लै गई। पलो पली विच काली गां दा दुध चो के लै आया, एक कौल विच पा के अगे कीता। उस आजान बाह जिस दियां गोड्यां तक लत्तां पलमदियां सन, प्यार स्वरूप ने कौल आप रिखी दे मूँह नाल ला के कहा, पियो मेरे रब दे प्यारियो, पियो। रिखी ने 100 बरस दे बुढ़े ने कुमार अवस्था दे जवान पर ना मां तो भी वधेरे प्यारे हत्थां तो दुध पीना शुरू किया। एक एक घुट अमृत दा घुट से, एक एक घुट अमियों रस दा घुट से, जो सहजे
ਸੰਗ ਹੇਠੋਂ ਉਤਰਦਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਬੂਟੀ ਵਾਂਗੂ ਤੁਰੀ ਗਿਆ ਤੇ ਖੇੜਾ ਖੜਾਈ ਗਿਆ। ਨਿੱਘਾ ਨਿੱਘਾ ਸਜਰਾ ਪਿਆਰੇ ਚਾਂਦੋ ਦਾ ਚੋਇਆ ਹੋਇਆ ਦੁੱਧ ਤੇ ਰੱਬੀ ਰੌਂ ਵਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਦੁੱਧ ਰਿਖੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾ ਗਿਆ। ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਮਗਰੋਂ ਰਿਖੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ। ਇਸੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ। ਅਰਦਾਸ ਪਿਆਰ ਤੇ ਖਿੱਚ ਨਾਲ ਗਿੱਚੀ ਲਿਮ ਗਈ ਤੇ ਸਵਾਦ ਸਵਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਜਾ ਜੀ ਨੇ ਤਕੀਆ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਢੋਲਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਤਖ਼ਤ ਪੋਸ਼ ਤੋਂ ਉੱਠ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਚਾਂਦੋ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਓ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਿਰਬਲ ਹਨ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰਦਾਰੀ ਕਰ। ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਦੁੱਧ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੀਏ। ਚਾਂਦੋ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਾਂਘ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਤੱਕ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਬੱਜੀ ਖੜੀ ਸੀ, ਪਰ ਆਗਿਆ ਸੁਣ ਲਈ ਸੀ। ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਖੀਵਾ ਹੋਇਆ, ਬਾਹਰ ਦੌੜਿਆ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਜੀ। ਖਿਆਲ ਸੀ ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਬੱਧੀ ਮਨ ਦੀ ਸੇਧ ਨਾ ਹਿੱਲੀ, ਤ੍ਰਭਕ ਕੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਜਾ ਪਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਂਗਲੀ ਪਸ਼ੂ ਉਛਲ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ ਚੁੰਮ ਲਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਚੁੰਮ ਲਿਆ। ਚਾਂਦੋ ਨੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਜਿਮੀ ਤੇ ਆਸਣ ਲਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗਰਦਨ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਤੱਕਣ ਲੱਗਾ। ਕਿਸੇ ਸੱਧਰ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਰੁਕਵੇਂ ਸਿਰਫ ਸਲਾਹ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਝੱਲਾ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਚੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਸਿਰਫ ਸਲਾਹ, ਉਸੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਸ ਪਿਆਰ ਉਛਾਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਉਚਾ ਕੇ ਤੱਕਦਾ ਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਦੇ ਸਾਈ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਗੱਡ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਚਾਂਦੋ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਾਤਾ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭੋਲੇ ਦੀ ਰੂਹ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਚੁੱਪ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਤਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਲਾ ਹੋਇਆ ਚਾਂਦੋ, ਉਹ ਹੱਥ ਚੁੰਮੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ ਵਧੀਕ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਸਿਰਫ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਭਰਦਾ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਿਨਾਂ ਬੰਧੂ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਪਿਆਰ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ। ਨਕਾਰੇ ਗਰੀਬ ਕੰਗਲੇ ਗਵਾਲੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸਿੱਧੇ ਸਾਧੇ ਨੀਮ ਚੱਲੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਿਰਫ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਗਰੀਬ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਹਰਫ ਉਹਨਾਂ ਰੱਬੀ ਨਿਗਾਹਾਂ ਨੇ ਪਾਏ, ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਹੀ ਜੋਤ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਏ। ਚਾਂਦੋ ਦੀ ਸਾਦਾ ਦਿਲ ਤਖਤੀ, ਚਾਂਦੋ ਦੀ ਸੁੱਚੀ ਨਕੋਰ ਸ਼ੁਭ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਪੜ ਗਈ। ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚਰਨਾਹਟ ਆਈ, ਕੋਈ ਰਸ ਭਰ ਗਿਆ, ਲੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਦਗੁਦੀ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਜੀਭ ਨੂੰ ਫਰੱਕਾ ਵੱਜਾ, ਬੁੱਲ ਫਰਕ ਪੈ, ਵਾਹ 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 ਦੀ ਉੱਚੀ ਧੁਨੀ। ਚਾਂਦੋ ਦੇ ਨੈਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਸਿਰ ਅਡੋਲ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਸੋਹਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦੇ ਰਹੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਦੀ ਧੁਨੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਆਪ ਮੁਹਾਰੀ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਤਾੜੀ ਵੱਜੀ। ਰਾਜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਪੰਜੇ ਸਿੱਖ ਜੋ ਨਾਲ ਆਏ ਸਨ ਕੌਤਕ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਚਾਂਦੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਦਾਤੇ ਨੇ ਸਿਰ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ, ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ, ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਆਖਿਆ, ਨਿਹਾਲ ਮੇਰੇ ਚਾਂਦੋ ਰਾਏ, ਨਿਹਾਲ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸਨ, ਬੇਵਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜੁੜ ਗਏ ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਮਿੱਠੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਿਆ, ਮੋਹੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਗੁਣੈ ਬਿਹੋਨਾ, ਦਇਆ ਧਾਰ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲੀਨਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਹਰ ਗੋਪਾਲ ਸੁਹਾਇਆ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਘਰ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਰਹਾਉ
भगत वशल भय काटन हारे, संसार सागर अब उतरे पारे, पतत पावन प्रभ बिरद वेद लेख्या, पार ब्रह्म सो नैनो पेख्या, साध संग प्रगटे नारायण, नानक दास सदा दुख पलायन। हुण चांदो राय दे नैन खुले, हाथ जुड़े, अदब नाल खड़ा है ते दाता कह रहा है, बेटा जी हुण दुध पिलाओ। मटका लैके किसी रंग रस दे विच झूमदा ते लड़ाउंदा, कदे अंदरों उछलदा, कदे रस रंग भरिया नैन भर लिया, अपने लाडो गां पास पहुंचा, त्रै गाइयां दा दुध चोया, लिया के अगे तरिया। सृष्टि दे अन्नदाता ने जो सवेर तो भुखे रहे, तृप्तावन हार ने दुध लिया, कटोरे भरे, सिखां नूं, राजे नूं, वजीर नूं, सब नूं वंडिया, फिर आप छकिया, चांदो राय नूं छकाया, रिखी जी नूं भी दो घुट होर दुध पिया दिता। हुण सूरज लटपदा गया से, रिखी हुण वल हो गया से, संझा पै गया। रात राजा ने तां अपने तंबू विच गुजारी, पर सच्चे पातशाह जी ने अपनी रात मृगशाला पर कुटिया विच रिखी ते चांदो राय नाल कट्टी। दिन चढ़े ते लथी हुई जमुना दे निर्मल नीर विच नाते रिखी जी नूं पातशाह जी ने हुक्म कीता, नाल ले चलांगे। ऋषि जी असी पावटा रचिया है, उत्थे रखांगे। ऋषि जी जो नीवी पाए ते अंदर रस नाल भरे सी, अपनी हालत नूं वेख के बेनती कीती, पातशाह आप जी दी आग्या विच रस है, पर मैं बुढ़ा अपने द्वारे सेवा ना करन जोगा, तुहाडे द्वारे ते भार हो जावांगा। सतगुरु जी ने सिर ते हाथ रख्या, थले ठोडी ते हाथ दे के उपर चुक्या, ना ऋषि जी, ऋषि भार नहीं होया करते, तुसी मिले हो, हुण विछोड़ा नहीं होएगा, तुहाडा अंत साढ़े हाथ सवार लगे। चरना ते सिर तर के शुक्र शुक्र लू लू विच भर के ऋषि सहमत हो गया। नाल आए पीनिस विच सवार कीते गए, कुटी नू विदा दिती गई ते पांवटे नू काफला कूच कीता। चांदो ते सतगुरां दा चांदो राय खड़ा देख रहा सी, हुक्म डीकदा सी, मुस्कुरा के दाता जी ने कहा, चांदो तू इत्थे रहो, दुध पिया कर ते बुले लुटिया कर। चांदो दे नैन नीवे हो गए, छम छम वग पै, हाथ आपे लमके जुड़ गए, सिर न्यो गया। उसकी भावना जो जीव दे रस्ते निकलना नहीं सी जानती, पर सतगुरु समझदे सन। फिर बोले, चल ठीक है चंदो बेटा, तू दस की चाहुंदा है। चांदो नूं अचानक पहला जांगली उछाला आया, जाके हत्थां नूं फिर चंबड़ गया, ते निक्के जे लाडले बाल वांगू डाढे लाड विच बोलिया, तुसी चलो, मैं गाइयां लेके मगर मगर आऊंगा, पौंटे गाइयां चारिया करांगा, दो वेले दुध चोके आप जी नूं पिलाया करांगा, ते रिखी जी नूं भी पिलाया करांगा, ते इन्हां हत्थां नूं वेख्या करांगा। महाराज दे पवित्र हथ अपने हत्थां विच नप के चुम के, नाले जी आप जी दे दर्शन करिया करांगा। सतगुरु जी हाथ पै कहन लगे, सत बचन, दुध तेरा चोया पिया करांगे। दो सवार सतगुरु जी ने गाइयां दी राखी वास्ते नाल दिते,
ਤੇ ਕਾਲਪੀ ਜੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਖਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਦੇ ਕੁਟੀਆ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਰਾਜਾ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਿੱਖ ਸਮੇਤ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਪਾਂਵਟੇ ਆ ਉਤਰਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਿਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਦ ਉਸ ਦੇ ਸੀਸ 'ਤੇ ਪਾਵਨ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਪੰਜ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਿਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਅਗੰਮੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਸਦਾ ਲਈ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।